अरी बहू किसने किया ये काम, तुम नंद के छोरा का नाम ले दे। और वो कहेगी तेरे सामने, कहा मेरे सामने करके गया कि जा उसकी माँ को बोल के आज तो मटका फोड़े। और वो उलाना देने भेजेगी, हमें उसके दर्शन का सब मिल जाएगा। ये तरीका है, ऐसा ही किया मेरे भाई। अगले दिन जो ही सासू जी अपनी लुटिया उठा करके मंदिर के लिए निकली, निकलते हुए ना तो अपना नाटक शुरू कर दिए, उठाया डंडा और चट 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 करके चट को और जो ही फूटे। और आई सासू और देखा उसने फूटा, बेचारी बहू अंदर रसोई में यूं भी डर, कभी नंबर आ गया तो ही खैर नहीं, चिल्लाई आती, अरे बहू। बेचारी नहीं बोली, अरे कहां मर गई। बस यूं कहते बेचारी, माँ नहीं आऊ। कहो माजी क्या ये मटका किसने फोड़े, किसने तोड़ा इनको। माँ मैं अंदर काम कर रही थी और वो नंद का छोरा आया था, वो काला करूटा कहेंगे हाँ, और उसने पत्थर उठा उठा करके सबको तोड़ डाला। और बाहर खड़ा होकर जब मैं बाहर आई, ये ताल ठोक करके ये कहने लगा, जाओ तुम्हें जो करना, मैं नंद का छोरा हूँ, जो तुमसे बने कर ले। ये कह के गया, तेरे को हाँ माँ मेरे को कि जा उसकी माँ को बोल किया फिर कल वो कुछ और कहेगा जा। अब सारी बहुएं अपना घूंघट निकाल करके बाहर निकली और घूंघट उठा करके आपस में हंस रही कि बन गई आज तो बात, चलो सारी चल रही। सारी अब मेरे कन्हैया के दर्शन करने, और माँ ने अभी अभी कन्हैया को सुलाया पलने में, कन्हैया सो रहा है और माँ पलना झुला रही है। और सखियों का झुंड खिड़की में को जब आते हुए देखा, माँ ने सोचा आज कोई एकादशी तो नहीं है कि मैंने कोई कीर्तन वीर्तन रखा हो तो सखियाँ आ रही हूँ, ना मेरे घर में कोई महात्मा आया है कि इसलिए कोई प्रवचन रखा हो इसलिए आ रही हो, आज कोई ना एकादशी है ना कोई कीर्तन का समय है ना कोई महात्मा है, लेकिन इतनी सखियाँ क्यों आ रही है। इतना सोची रही थी, सखियों ने आकर के दरवाजा खटखटा दिया, अरे ये सोझा दरवाजा खोलो, मैया ये सोझा दरवाजा खोलो। अब कन्हैया को छोड़ करके पलना में आई दरवाजे के पास, आओ आओ ये नई नई सखियां कैसे आई मेरे घर में आज, कि पहले वो ये बताओ तुम्हारा कन्हैया कहाँ है। माँ को पसीना आ गया, यूं कहती क्यों क्या करके आया है, कि उसकी करतूत उसके सामने बताएंगे पीछे क्या बताना, लेकिन केवल कृष्ण दर्शन लालसा है तो उसके दर्शन की इच्छा। और माँ ने आवाज लगाई, कन्हैया बेटा, अरे वो कन्हैया उठो बेटा, ये सखियां बुला रही हैं आपको। और कन्हैया की नींद गायब, सखियों का नाम लेते और कन्हैया अपनी आंखों को मलते हुए गया माँ के पीछे, पल्लू पकड़ के खड़ा हो गया। हाँ सखियों बताओ क्या करके आया, कि सुनो तेरा ये है ना काला कलूटा ये चोरी करता है, चोरी मेरा का नहीं है, चोरी ये क्या जाने चोरी करना, अरे चोरी चोरी नहीं ये और भी करता है, ये तो एक चोपा चोर गोपाल विद्या प्रचार मंडल अपने साथ रखता है, चोरों की मंडली अपने साथ रखता है, खुद खाता है वो औरों को लुटा देता, बंदर भी इसके साथ रहते हैं, चलो ये खाए सो खाए लेकिन बंदरों को लुटा देता है। माने कहा रही सखियों अपने जरा माट मटका को तुम छुपा के रख दिया कर, और सुनो मेरे कन्हैया को ना अंधेरे से डर लगता है कि हमने ये सोचा ये भी करके देख लिया, लेकिन तूने जो ये मणियों के हाथ में कंगना वगैरह करूला वगैरह पहना के जो ये अंदर अंधेरे में जाता है इसके प्रकाश इतना होता है कि ये उस मटकी मक्खन की मटकी को तो वहां भी ढूंढ लेता है। कहता सुनो ये तुम्हारे घर में आए ना, निक्षा मक्खन इसके हाथ पे रख दिया करो और दे दिया करो और ये खा करके बाहर चला गया। अरे यशोदा हमने ये भी करके देख लिया, हम इसके हाथ पे ताजा ताजा मक्खन रखते हैं, थोड़ा सा हाथ पे रख देते हैं और मुंह से लगाएगा कहते ये तो खटको है, मौको तो चोरी को ही अच्छा लगे। और कहा सुनो अच्छा ऐसा करो मेरे लाला हवा से बहुत डरते हैं, इसको डरा दिया करो कि अंदर गया तो हवा बैठा है अंदर। अरे कहा यशोदा हमने ये भी कोविड भी हवा से डरता ना कोई दवा से डरता, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली जहां भी रखा हो ढूंढ लेता उसको। बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनाने लगी लेकिन इच्छा के बल दर्शनों की। पर कन्हैया कह रहे हैं, कन्हैया ने कहा क्यों रहे, कन्हैया बेटा मैं तेरे को यहाँ खिलाती हूँ तेरे को भूख नहीं लगती, बाहर जाती तेरे को भूख लगे। और वाकई जब माँ खिलाती
कन्हैया से कहते बेटा तू पता नहीं कब का निकला हुआ, कब आएगा घर में घुसेगा, इसलिए कुछ तो खा जा बेटा। माँ के सामने कहता माँ भूख नहीं। अरे बेटा तू मेरा क्यों मजाक उड़वाता है, हर रोज सखी आके खड़ी हो जाती है, हाँ तुम्हारे घर में कोई मक्खन की कमी है क्या? 9 लाख गाय जिसके घर में हो तो उसके घर में मक्खन की क्या कोई कमी रहेगी? कोई कमी नहीं है घर में मक्खन की, इसलिए खिला खा। लेकिन माँ जब देती तब भूख नहीं, लेकिन घर से बाहर निकला जो ही सखी दिखाई दी पल्लू पकड़ के पीछे पीछे, अरे सखी जोर की भूख लगी नेक सा मक्खन खिला दो, नेक सा खिला दो सखी। वो जब बाहर निकलते ही भूख लगी, क्यों? वो तो सबको आनंद देने आए ना, अकेली माँ यशोदा के लिए थोड़ी आए, वो तो सबको ही आनंद प्रदान करने के लिए आए। पर वो आनंद लेकर के मेरे भाई क्या मीठी मीठी लीलाएं की मेरे भाई, सारी सखियां आनंद से वहां गाने लगी बजाने लगी। क्या मेरी मटकी को मार गयो ढेला, तेरो श्याम बड़ा अलबेला,
एक बार ग्वाल वालों के साथ अपने दरवाजे पर खेल रहे थे कन्हैया, और खेलते खेलते सब बच्चों के देखते एक मिट्टी की डली उठाई और मुंह में रख ली। सारे ग्वाल वालों ने देखा, और आप जानते हैं एक नंबर के शिकायती होते बच्चे, जरा सा उनको कोई खोट मिल गया किसी बच्चे में भागेंगे अपने टीचर के पास या अपने माँ बाप के पास, उसने वो किया तो भागे माँ यशोदा के पास और भाग करके कहा, मैया 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 सुनो। मैया लगी दिखा, मैं कहते क्या है बेटा, क्या है लाला? माँ आपके लाला ने आज मिट्टी खाई। माँ ने कहा चलो कल तो सबसे वाली बात की कोई बात नहीं, उसे निपट जाए, अरे पेट में कीड़ा हो जाएंगे यदि वो मिट्टी खाना सीख गया तो और उल्टा काम हो जाएगा। इसलिए माँ ने छड़ी उठाई हाथ में और सीधी पहुंची वहां कन्हैया के पास। क्यों रे चठोरे बंदरों के यार, तूने मिट्टी खाई? लेकिन कन्हैया की मिट्टी में थी। तूने मिट्टी खाने की शिकायत माँ से की? क्या आपने खाई है सबने की? अच्छा मैं भी अवाल मैया को कहूँ, क्या कहेगा? कि बलदाऊ दादा भांग का गोला खाते हैं। बलदाऊ दादा को सब्जी चढ़ गई, इसकी पिटाई होगी बाद में, तेरी पिटाई होगी पहले। उसने कहा मैया मैया सुनो सुनो सुनो, देखो मेरे सामने तो कन्हैया ने मिट्टी खाई नहीं है और इनके सामने खाई है तो मुझे पता नहीं। एकदम पलट गया देखो। लेकिन मन सुखा खड़ा था, कहा माँ मैं जानता हूँ दोनों एक बेल के तुम्बड़ा ही है, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, बिल्कुल भी झूठ ना बोलू, मैं गौओं की सौगंध खा के कह रहा हूँ, माँ मैं अपने माँ बाप की सौगंध खा रहा हूँ, मेरे सामने मिट्टी खाई इसने। और कृष्ण कन्हैया कह रहा है मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन माँ ने कहा बेटा मैं किसी काहू की बात ना मानू बेटा, ना बलदाऊ दादा की मानू, ना ग्वाल बालों की मानू, मैं मेरे बेटे की बात मानती हूँ, सच सच तूने मिट्टी खाई। लेकिन कन्हैया ने सोचा भाई माँ को तो डराना ही पड़ेगा, अर्थात अगर बच्चा बहुत समझदार होता है यदि उसने गलती कर दी तो एक बंदर घुड़की थोड़ा गुस्से में आगे बोलता है, सोचता माँ बाप दब जाएगा और मान जाए, थोड़ा बंदर घुड़की दिखाता हो। कन्हैया ने भी सोचा माँ को बंदर घुड़की देनी पड़ेगी और कहा ना हम भक्षित सर्वे मिथ्या भी समझी ना, माँ मैंने बिल्कुल भी मिट्टी नहीं खाई, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, अपने आप सत्यवादी हरिश्चंद्र पर 1100 के सामने खाई, देख लो सबको झूठा सिद्ध कर रहा है। माँ ने कहा बेटा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अच्छा तू ऐसा कर तो अपना मुख दिखा मुझे, मैं ना इनकी मानू ना तेरी मानू, तो अपना मुख खोल खोल। अब कन्हैया मुख खोल रहा क्योंकि मिट्टी खाई, और माँ ने कान पकड़ा और छड़ी उठाई और ऑटोमेटिकली कन्हैया का मुख खुल गया। और जो ही मुंह खुला बस कन्हैया के मुख में तो सब कुछ सारी दुनिया नजर आई, सूर्य चांद सितारे नक्षत्र माँ की तो छड़ी भी छूट गई, कान के हाथ लगा था वो भी छूट गया, हाथ बंद हो गया हाथ छूट गए। हे नारायण मैं कभी आइंदा ऐसे गलती नहीं करूंगा, आज आज मुझे माफ कर, अब खाई सो खाई आगे खाऊं तो राम दुआई, मुझे कान पकड़ रही है माँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मेरा नारायण, पहली बार ये गलती करने जा रहा हूँ मुझे माफ कर दो। कन्हैया ने सोची बेटा तेरी पोल पट्टी खुल गई इसलिए दाम देने बंद किया, और माँ की टकटकी लगी, कह रहा माँ कहाँ चली गई, कहाँ किधर देख रही हो? कहता बेटा अभी अभी मैंने तेरे मुख में कछु देखो। क्या देखो मैया? बेटा तेरे मुख में ये चांद ये सितारे ये पर्वत ये पहाड़ ये तीनों लोग, और तीनों लोग में ये मृत्यु लोग, और मृत्यु लोग में ये भारतवर्ष, और भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश, और उस उत्तर प्रदेश में ये 84 कोस का ब्रज क्षेत्र, और इस ब्रज क्षेत्र में हमारा गोकुल गांव, हमारे गोकुल गांव में हमारा ही बना हुआ घर, और हमारे घर में मैं तेरे दरवाजे पर तेरा कान पकड़े खड़ी हूँ बेटा। उसमें कहता माँ मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ, तूने कोई स्वप्न देख लिया? इतनी भोली थी यशोदा माँ मान ली, हाँ बेटा मैंने कोई स्वप्न देखा होगा, देखो मेरा मुंह दोबारा फिर दिखा दे, अब क्या था कुछ नहीं, इतनी भोली थी, देखो सारा विश्व दर्शन करा दिया मैंने। और
अगली लीला मेरे ठाकुर ने की, एकला गृहदासिसु यशोदानंद गेहि कर्मांतर नियुक्ता सु निर्वंथ स्वयं रति। दीपावली का त्योहार आया है, घर की सजावट की है और सोचा दीपावली के दिन मेरे कन्हैया को मैं खुद ही अपने हाथों से भोग लगाऊं, इसलिए मैं सुबह सुबह 4 बजे उठी और अपने आए दही रिड़कने लगी, दही बिलोने लगी। लेकिन देखो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कायिक वाचिक और मानसिक तीनों चीजों से भगवान को समर्पित, काया से कर्म कर रही है, दही बिलो रही है ये काया का, वाचिक माने वाणी, वाणी से गा रही है क्या, आऊंगी ओ मदन गोपाल दही हो लेके आऊंगी। वाणी से भगवान का कर रही है कीर्तन और शरीर से कर्म कर रही है भगवान के लिए, उसके लिए उसको खिलाने के लिए कर रही है, किसी और को नहीं उसके लिए। क्योंकि छोटे मोटे घर में नहीं है यशोदा, वो ब्रज के राजा है कौन, नंद बाबा, और उसके घर में कोई नौकर चाकरों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बेटे को स्वयं ही दूध पिला रहे हैं, स्वयं ही उसके लिए दही मंथन कर रही है। आप भी किसी दूसरे पर अपने बेटे का भार मत सौंपिए, उसको बोतल का दूध मत पिलाइए, इसलिए नहीं तो बड़ा होकर फिर बोतल ही पिएगा। और फिर आते हैं महाराज जी, हमारा बेटा बोतल पीता है, तुम्हें ही सिखाया माँ, सिखाने कौन आया है, तो यदि बोतल नहीं पिलाती तो आज बेटा बोतल नहीं पीता, तुमने ही उसके मुंह पर बोतल लगा दी होगी, इसलिए बोतल पीना बचपन से सीख गया, आदत तो तुमने डाली, इसलिए जरा अपना ही दूध पिला कर पाओ ताकि तुम्हारे गुण अपना उस बेटे में भी आए, दूध का भी असर होगा सर। पितरे में कन्हैया उठे और आंखें मतलब, क्योंकि तीनों जी से समर्पण, और कोई तीनों जी से समर्पण करने भगवान को तो भगवान नहीं रह सकते, वो आए नहीं उस भक्त के पास, इसलिए कन्हैया उठे और अपनी आंखों को मलते हुए आकर के मथानी को पकड़ा, मथानी को पकड़ लिया, मथानी को पकड़ा और पकड़ के कहा माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, अपना दूध पिला दो ना। माँ कह रही है कन्हैया बेटा तू 7-8 वर्ष का होने जा रहा है, कुछ तो शर्मा बेटा, क्या कहते हैं तेरे ग्वाल भाई, हाँ बेटा मैंने सब कुछ करके देखा लेकिन तू मेरा ही दूध पीता है। कहता माँ जब तक तेरा दूध नहीं पी लेता मेरा पेट भी भरता, इसे पिला दो ना माँ। माँ इनकार कर, लेकिन मेरे कन्हैया ने जबरदस्ती मथानी को पकड़ा और जबरदस्ती माँ की गोद में घुस गए और घुसे और माँ का दूध पीने लगे, और माँ ने वो गाना छोड़ करके गोविंद मेरे हो गोपाल मेरे हो गाना शुरू कर दिया। उबालने के लिए रखा था उसको भूल गई थी माँ अपने बेटे के चक्कर में, एक सखी ने आकर के बता रही माँ तू तो इसके चक्कर में पड़ी।
इसको ऊंट प्यारा नहीं, इसको दूध प्यारा। इसलिए कन्हैया के होठ लगे फड़कने और कहा, मां तू मेरे को छोड़ के जाएगी, तू वहां कितने कितने को 10-5 किलो को बचाएगी, इसे तेरा 50 किलो का नाश कर दो। ठीक, इस तरह भगवान को छोड़कर यदि तुम और काम में सोचो तुम्हारी बढ़ोतरी हो जाएगी। नहीं, उस देने वाले के पता नहीं करोड़ों हाथ है मेरे भाई, और तुम्हारे दो हाथ कितना कमाओगे? जब उसको लेना होगा तुम्हारी वर्षों की कमाई एक मिनट में ले जाएंगे वो, और जिसको देना शुरू करते हैं वो एक मिनट में ही तुम्हें पता नहीं कितना ऐश्वर्यवान बना जाते हैं वो। तुम ही लोग कहते रहे कल इसका कुछ भी प्योग नहीं था और आज ऊंचाइयों को छू रहा है। ये किसकी कृपा? उसकी मेहनत का फल है कि भगवान की कृपा का फल है? क्या जानते हो? इंद्र की माँ यशोदा उस 10 किलो को बचाने गई और इधर कन्हैया की होठ पड़ने लगी, एक पत्थर पड़ा था उठाया उसको, और 40 किलो की जो बिलोनी थी इसमें वो अधकची दही रखी थी, उठाया और जोरदार उसको जय कर गया। चार पल्ला हो गया उसके, सारे प्रांगण के अंदर, सारे घर के अंदर वो अधकचा दूध घूम रहा है। और जब धम्म देगी हुआ, माँ ने भी मुड़ करके देखा, एक बार तो हंसी कि देख कितना गुस्सा है मेरे कन्हैया में, मैं इसको छोड़ के क्या आ गई, गुस्सा में इसने मेरी बिलोनी ही फोड़ दी। लेकिन फिर आया रियाज ने, आज तो इसने बिलोनी फोड़ी, कल कुछ और तोड़ेगा ही, आज तेरे को बख्शू नहीं देता। इसलिए माँ ने डंडा उठा, समझ गए कन्हैया भी, एक बार तो झूठ मूठ के रोए के मान जाए, लेकिन कन्हैया ने सोचा आज तेरे को माँ बख्शेगी नहीं, इसलिए भाग बेटा। कन्हैया भागा वहां से और भाग करके ऐसी जगह छुप गया जहां माँ ने अंधेरे में माखन छुपा रखा था। सारे बंदरों को बुलाया, अपने ग्वाल बालों को बुलाया, कहा आ जाओ, पिटना तो है, कम से कम माखन तो खा ले। खूब माखन खाया और कहा बंदरों को और ग्वाल बालों को इशारा कर दिया कि माँ डंडा लेकर गया तो भाग लेना साथ में, मैं भी भागूंगा, कभी तुम भी पिटो और मैं भी पिटू। इसलिए सभी ग्वाल बालों को लेकर गए और कन्हैया अपना ही छीका अपने घर में चोरी कर खाया और फिर बंदरों को लुटाया। क्यों? आओ भैया, तुमने जब मैं राम बन गया था तब खूब सेवा की थी, अब खूब माखन और मिश्री खाओ, देखा जाएगा जो होगा बाद में। अब माँ ढूंढ रही है एक एक कमरे में कन्हैया को, लेकिन जो ही वहां पहुंची जिस कमरे में कन्हैया मक्खन चुरा रहे थे, तो वो बंदर भागे माँ को देख करके और साथ में कन्हैया ने भी छलांग लगाई। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे माँ यशोदा, पूरे गोकुल के गांव में चक्कर लगा दिया, और जो गोपियां हैं वो ऊपर खड़ी होकर के हंस रही है। क्यों? क्योंकि माँ पर भागा जा नहीं रहा, एक तो वृद्धावस्था, एक बुढ़ापे में कन्हैया का सुख मिला ना, थोड़ी मोटी भी हो भारी हो गई, पहला बुढ़ापा और दूसरा मोटी है, अब भागा जा नहीं रहा। एक बार तो कन्हैया नजदीक से आ जाए, फिर रेस लगा दे, फिर वहां पीछे रह जाए, एक बार तो ये हो कि अब पकड़ा गया, पकड़ा गया, लेकिन फिर वो रेस लगा दे। पूरे गोकुल के अंदर पूरे गांव में घुमा दिया और सारे गोप ग्वाल हंस रहे हैं दोनों माँ बेटे के ऊपर, और तो कह रहे ब्रह्मा विष्णु माँ यशोदा के आगे होकर के भाग रहा है, ग्वाले के आगे होकर भाग रहा है, कौन सा पुण्य किया था इसने? तब कहा एक जन्म का पुण्य नहीं है इसका, पता नहीं कितने जन्म का पुण्य है, और इसी को सुख देने के लिए तो ये आया इस धरा पर, दुनिया को नहीं इसको विशेष रूप में, इसे पिटने के लिए आया हो, इसकी डांट खाने के लिए आया हो, इसे अपने कान खिंचवाने के लिए आया हो, जो सारी दुनिया के कान खींचता है, आज वो माँ उसके कानों को पकड़ के हट रही है, कौन सा पुण्य किया हुआ इस मान। राजा परीक्षित अपनी आंखों में आंसू भरे, वारे माँ तेरे जैसी माँ में सबको प्राप्त हो, भाग्यवान होगी वो माँ जिसकी कोख से भक्ति या भगवान जन्म लेता है, क्योंकि शास्त्र कहता है इस बात को कि पुत्रवती युवती जग सोई, we
सासु सुत होए, वही भाग्यवान माँ कहलाती है जो अपने बेटे को जन्म देकर के राम के चरण में लगा दे। अन्यथा शास्त्र तो इसी तरह कहता है कि इससे अच्छी तो भैंस है, इससे अच्छी तो वो है गाय, कम से कम अपने बेटा बेटी का इतना लालच तो नहीं करता, अपने बेटों को उल्टे कर्मों में तो नहीं लगाती। इसलिए उस माँ से तो भैंस और गायें अच्छी हैं जो अपने बेटे को पैदा करके उसको भगवान के चरणों में नहीं लगाती, उसको उल्टे कर्मों में लगाती, वो माँ माँ नहीं है, वो तो डायन है। इससे अच्छा तो वो बांध रह जाती तो ठीक था, अन्यथा वो तो गाय भैंस की तरह ब्यानी है बस। माँ माँ वही कहलाती है मेरे भाई, माँ हो तो सुमित्रा जैसे। कैसे सुमित्रा? जब राम को वनवास होने लगा और लक्ष्मण जिद करने लगा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, और राम ने कहा लक्ष्मण भैया पहले मां से पूछ क्या हो, क्योंकि उसकी मां सुमित्रा है, इसलिए कहा पहले मां सुमित्रा से पूछ क्या हो। और जो ही सुमित्रा से पूछने के लिए गए लक्ष्मण कि मेरे प्रभु राम वनवास ही हो रहे हैं मां, तुम आज्ञा दो मैं भी प्रभु के साथ जाऊं, मैं आज्ञा लेने आया हूं। मां सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए और कहा रे बेटा तू किस मां से आज्ञा लेने आया था, ये भी तूने आज्ञा लेने वाली थी, तेरी मां तो वहीं खड़ी थी, सीता तेरी मां थी, मंत्र की मां बनाना था तो वहां सीता खड़ी थी, मैं तेरी मां नहीं बेटा, तेरी असली मां तो वहां खड़ी है। अरे मात तुम्हारी तात पास आ गया, तू मेरा बेटा नहीं है, ये कहेंगे चला जा मेरे पास। ये है मां, मां हो तो सुमित्रा जैसी, मां हो तो सुनीति जैसी मेरे भाई, जो कहा तू आया क्या करने, चला जा। कहां तक गए उसकी महिमा को मेरे भाई, जितना उसमें घुसते चले जाते हैं कुछ नए नए रत्न मिलते हैं उसके अंदर, ऐसे मोती छुपे हैं मेरे भाई, ऐसा सरोवर है ये, जितनी डुबकी लगाओ उतना ही माल मिलता है इसके अंदर। तुम तो जितना संसार में घुसो उतने ही दुखी होते हो, लेकिन इस मेरे ठाकुर के समुद्र में जितना भी गोते लगाओ उतना ही तुम्हें रत्नों से सराबोर कर देता है, उतना ही तुम्हारी जिंदगी में मिठास भर देता है। और एक बार कहीं ये मिठास आ गया मेरे भाई तो क्या कहना। और जो माँ ने अपने जूड़ा के अंदर वो पुष्प लगा रखे थे, वो पुष्प भी जूड़ा से निकल निकल अगर के माँ के कदमों में गिर रहे, तो कवियों की कल्पना देखो, वो पुष्प क्यों गिर रहे हैं, तो कवि कह रहे हैं, वो संत कह रहे हैं कि वो पुष्प भी कह रहे हैं कि जिस माँ के सामने काल के भी महाकाल आगे होकर के भाग रहे हो, जो भगवान को लेने के लिए भाग रही हो, तो उस माँ के सर पे नहीं बैठेंगे, उस माँ के तो चरणों में गिरने के लिए हम तैयार हैं, तो पुष्प भी आज चेतन रूप उनके चरणों में गिर रहे हैं। विचार करिए, माँ थक गई और थक करके पेड़ के चबूतरे के ऊपर बैठ गई, इधर चबूतरे पर माँ बैठी है, इधर आकर कन्हैया छू गए, और जब माँ हाँप रही थी हाँपते हाँपते कन्हैया ने कहा माँ मैया तुम थक गई हो, कहता हाँ बेटा थक गई हो, कहा माँ पास आ जाऊं, हाँ बेटा आओ, मारोगे तो नहीं, कहते नहीं बेटा मारोगे नहीं, आज तो तेरी पूजा करूंगी मैं,
जब माँ परेशान हो जाती है तब कहता हाँ बेटा तेरे पास बताऊंगा। कहता माँ मैं आपके पास आ जाऊंगा, ये छड़ी एक तरफ रखो। माँ ने छड़ी ले बेटा आयो। अब माँ खड़ी हो गई, दो कदम इधर से कन्हैया चले, दो कदम इधर से मैया चले, दो कदम कन्हैया चले तो दो कदम मैया चले, और जो ही नजदीक है धम्म दी माँ ने पकड़ ली, आ दारी की आज तेरे को संभाल। और कन्हैया को जो ही पकड़ा, कन्हैया की आंखों में आंसू छर छर, गंगा यमुना की जो काजल लगा था वो सारे मुंह पर लिपा हुआ है, रो रहे कन्हैया, डरे हुए मेरे भाई। देखो जिनसे काल भी डरता है माँ की छड़ी से डर, लेकिन माँ ने सोचा मेरा बेटा डर गया है ज्यादा, क्योंकि माँ की ममता जानती है वो मार करके कुछ नहीं, यदि मार भी देती है अपने बेटे को तो अपने बेटे ही ज्यादा खुद परेशान हो जाती है, बहुत परेशान होती है, बहुत पछताती है बाद में। आज माँ डर गई कहीं मेरा बेटा दूर ना भाग जाए, इसलिए अपने बेटे को डांट करके कह तो नहीं है ऊपर से, अंदर से डरी हुई ये कह रही है तूने उखल पे चढ़ करके घी को चुराया, इसलिए तूने दुष्ट का संग किया, उसे दुष्ट दे तेरे को बांधो किया, इसलिए माँ ने उखल से ही बांधना शुरू कर दिया। लेकिन बांध रही है कोई मजबूत रस्सी से नहीं, बहुत कोमल कोमल रेशमी रस्सी से बांध रही है, कहीं मेरे कन्हैया को निशान न पड़े। बांधना शुरू, अपने घर की सारी रेशमी रस्सियां लगा दी, लेकिन कन्हैया बंधन में नहीं, दो उंगल ठीक। इस तरह आत्मा और परमात्मा का बस दो उंगल का ही फर्क है। मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, लेकिन किस्मत के मारे हैं मिलने को तरसते हैं। केवल एक माया का पर्दा बीच में है, बस वो माया का पर्दा उठा, ब्रह्म और जीव तो एक ही है मेरे भाई, वो नित्य सखा है आपस में, उनका ही मेल है, जितना उनका मेल है हमारा और आपका नहीं हो सकता। हम तो आने जाने वाली चीजें हैं, मरने जीने वाली चीजें हैं, लेकिन वो नित्य हैं, उनका नाश नहीं है, वो मरने जीने वाली चीज नहीं है, ये तो केवल हमने माया के पर्दे में उसको ढक दिया है, अंदर से कुछ और ही हुआ। तुम वो रूप नहीं है जो अपने आप को देख रहे हो, तुम्हारा अंदर का रूप कुछ और ही है। ठीक इसी तरह माँ बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या कोई भगवान को बांध सकता है? क्या तुम अपनी आत्मा को बांध सकते हो? आखिरकार जब डॉक्टरों से बीमारी किसी भी तरह ठीक नहीं हो रही तो आगे वो भी कहेंगे आगे परमात्मा जाने, हरी इच्छा आगे, अर्थात उस आत्मा का ये नहीं पता वो कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है। आज तक वैज्ञानिकों की पकड़ में भी नहीं आ रही, डॉक्टरों की पकड़ में भी नहीं आ रही, वो किसी की पकड़ में नहीं आ रही, वही है वो। जब पकड़ से बाहर, उसको पकड़ना चाहते हो तो उसको समर्पित कर दो अपने आप को। देखो खुद पकड़ में आ रहे हैं भगवान, तो ये क्यों नहीं आ जाएगी जो तुम्हारे अंदर रहती है? आ जाएगी, बस ऐसे उसका बनना ही पड़ेगा। एक बार माँ बांधना चाहती है, नहीं बन रही, और तो क्या पूरे गोकुल की रस्सियां लगा दी उन्होंने, नहीं पकड़ में आया। आखिर माँ को पसीना पसीना हुआ देखा, थकी हुई देखा, मेरे कन्हैया को दया कि माँ थक चुकी है, और यदि इसके बंधन में नहीं आया तो दुनिया क्या करेगी, इसलिए इसके बंधन में तो तुझे आना ही पड़ेगा, क्यों तू इसका बेटा बन गया है, और जो ये चाहती है तुझे करना ही पड़ेगा वैसा ही। इसलिए माँ के ऊपर दया की है, और दया करके मेरे कन्हैया बंधन में आ गए, बंध गए, और माँ अपने काम में लग गई। और इधर यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं, जो नल कुबेर और मणि गरीबी कुबेर के बेटा थे मेरे भाई, जो आज अशोक के वृक्ष बने हुए खड़े हैं। एक बार देवऋषि नारद जा रहे थे और ये श्राप पी कर गए, और एक अप्सरा के साथ एक सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे, और उधर से निकलना होगा देवऋषि नारद का, और जो ही देवऋषि नारद वहां से जा रहे थे, अप्सराओं ने तो निकल करके शर्म के मारे कपड़े वपड़े पहन लिए अपने, लेकिन ये नंगे ही खड़े रहे। इसलिए देवऋषि नारद ने कहा तुम्हारा दोष नहीं भैया, जिसके पास पैसा आ जाता है वो ऐसे ही करता है, उसको पैसे का नशा ही इतना हो जाता है, या तो श्राप के अहम में हो जाता है वो, या किसी को देख करके उसको जरा भी संकोच हो जाता है, इसलिए श्राप दे दिया कि जाओ तुम तो नगन वृक्ष की तरह खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष ही बन जाओ। और उसका अंजन यही होता है मेरे भाई, या तो उस पैसे का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, श्राप व्राप में मत खो,
और यदि ऐसे में खो तो अगला अंजन है उसका, यह तो गरीबी। अगले जन्म में तुम्हें यदि परमात्मा ने पैसा दिया है तो उस पैसे के मालिक नहीं हो, उस पैसे के नौकर हो तुम। तुम्हें भगवान ने संभालने के लिए तुम्हारे ऊपर विश्वास करके वो पैसा दे करके देख रहे हैं तुम्हें, तो कितना सदुपयोग करता है और कितना दुरुपयोग करता है, ये तो जब चाहे वो छीन ले तुमसे। लेकिन अब की बार तुम्हें पैसा दे करके वो तुम्हारा परीक्षण कर रहे हैं, तुम उसमें पास होते हो फेल होते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है वो, तुम उसके मालिक नहीं हो। भाई किसी सेठ में तुम्हारे चौड़े बाजार में या किसी चांदनी चौक में दुकान खरीद ली, कितने की? 10 लाख रुपए की, और उसमें 10 लाख का डाल दिया कपड़ा। सेठ की और भी फैक्ट्रियां हैं, उस पर एक मनीम छोड़ दिया और दो नौकर छोड़ दिए, और उसका महीने का प्रॉफिट है 45,000 रुपए, 2,000 उनकी तनख्वाह है और 3,000 मनीम की तनख्वाह है, कितने हो गए बोलो? हाँ, 3 उसकी तनख्वाह और 2-2 उनकी है, 7, और प्रॉफिट करा उसने 45,000 का, कितने बच गए? 38। वो मालिक के होने चाहिए कि नौकरों के होने चाहिए बोलो? प्रश्न कौन कर रहे हैं उसमें? नौकर। अब आप लोगों से हम प्रश्न करते हैं, तुम्हारी जिंदगी किसने बनाई? बोलो, जल्दी बोलते रहो। भगवान। तुम्हारी आंख, तुम्हारी नाक, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, और इनके द्वारा कमाया गया धन किसका होगा? घसड घसड तिजोरियों भरे हो अपने बेशर्मो, और करें भगवान भगवान, तुम उसके मालिक नहीं हो। तुम्हें ये मकान भी किराए पे मेरा, ध्यान रख लेना, इसका मालिक कोई और ही है, और तुम ही इसको हड़पना चाहोगे तो तुम्हें दंडित हो वगैरह नहीं सकता। यदि वो मनी और नौकरी खाएंगे तो मालिक क्या करेगा? निकाल देगा उसको। अर्थात तुमने यदि उस धन का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो तुम्हें भी भिखारी बना कर लिए। जितने कटोरे लेके खड़े हैं चौराहों के ऊपर, इनको धन दे करके देखा एक बार, भगवान ने ध्यान रख लेना। जब इन्होंने इस धन का सदुपयोग नहीं किया तो भगवान ने कटोरा रख दिया हाथ के, ले बेटा मांग और खा, क्योंकि तू धन के लायक नहीं है। तूने उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया, हमेशा ही दुरुपयोग किया, या होटलों में गवा दिया, या शराब कबाब में गवा दिया, या वैश्यगांव में गवा दिया, तूने उसका सदुपयोग नहीं किया। और धार्मिक रीति नहीं थे, जीव कभी स्वाद नहीं मांगती, ये भी नोट कर लो, पेट कभी स्वाद नहीं मांगता, लेकिन ये जीवा जो महारानी है ये स्वाद की भूखी है, और इसके चक्कर में कोई पड़ गया तो मार खाएगा। इंद्रियों के जो काबू में हो गया वो कभी चैन का जीवन नहीं जिएगा मेरे भाई, उल्टे कर्म ही करेगा। और एक बार कभी तुमने स्वाद को मार लिया, पेट स्वाद नहीं मांगता, पेट तो कहता तुम भर दो चाहे पत्थरों से भर दो मुझे, वो केवल भरना मांगता है, किस चीज से भर दो। लेकिन इसकी जो संतरी खड़ी है ये जीवा महारानी, ये कहते पहले रिश्वत दो फिर अंदर जाने, पहले चखाओ मुझे, मीठा के कड़वा के खट्टा है कैसा है मुझे चखाओ, पहले मुझे मिलो और फिर अंदर। और जो इसके चक्कर में पड़ गया तो मारा गया। इसलिए मेरे भाई बहन, आज भगवान तुम्हें देख करके देख रहा है, कभी ऐसा मत कर देना कि अगले जन्म में तुम्हें भिखारी बनना पड़े। थोड़ा उसको सत्कार्य में लगा लो, अच्छे काम में लगा लो, नहीं तो जैसा पेट्रोल या डीजल इस जमीन से निकलता है वैसा का वैसा तुम्हारी गाड़ियों में नहीं आता है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसको शोधन किया जाता है, फिर पेट्रोल पंपों पे लाया जाता है, उसके बाद तुम्हारी गाड़ियों में लगता है, और फिर तुम्हारी गाड़ियां काम कर रही हैं। ठीक है, तुम जो धन कमाते हो उस धन में थोड़ा बहुत पाप मिला होता है, और उस पाप का यदि शोधन करना चाहते हो तो उसको सदकर्म में लगा लो कहीं, अन्यथा यदि धरती से एकदम निकलने वाला तेल तुम्हारी गाड़ियों में डल गया और कचरा कहीं फंस गया तो रास्ते में गाड़ी धोखा दे सकती है।
क्योंकि इस तरह तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी में जो पाप है कहीं अटक जाओगे और तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी, तुम्हारी श्वास रुक जाएगी वहीं। फिर तुम्हें चौधरी साहब कहने वाले, सेठ जी कहने वाले और शर्मा जी कहने वाले कोई नहीं, फिर तो कहेगा अरे मुर्दा बन गया, उठाओ इसको, गिरो गिरो संसार। ऐसा काम करो, उसका सदुपयोग करो। आज माँ यशोदा यदि जीवन लेकर के आई है और भगवान उसकी गोद में आए तो उसका सदुपयोग कर रही है वो। नल और कुबेर ने यदि दुरुपयोग किया तो आज वृक्ष बने हुए खड़े हैं, लेकिन जब उस ऋषि के चरणों में गिड़गिड़ाए कि आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, अब की बार गलती हुई सो गई, लेकिन कहा भैया अब तो निकल गया मोक्ष। आज देखिए उन्होंने श्राप दिया था और आज वरदान सिद्ध हो रहा है। कैसे? यदि वो श्राप नहीं देते तो कन्हैया की नजर थोड़ी पड़ती। आज बंधे वो कल से वो नारद ऋषि की बात याद आई, कह रहे इनका भी तो उद्धार करना है, इसलिए उंखल को घसचोड़ा वो फंस गए और कन्हैया ने दिया झटका और दोनों चढ़चढ़ाहट करते हुए नीचे आने लगे और आकर के नीचे गिरे। लेकिन उनके अंदर से दो महापुरुष निकले, नलकूबर और मणिगिरी, और दोनों ने निकलते ही स्तुति शुरू की। वाणी गुणानुगतने श्रवण कथाया भक्तों की सेवा में लगे रहे और हमारा सर्वता सिरहस्तव निवास जगत प्रणामी, हमारा सिर हमेशा ही आपके चरणों में, आपके भक्तों के चरणों में झुका रहे, हमारी दृष्टि केवल आपको देखे या आपके भक्त को देखे और दुनिया को देखे ही नहीं। भगवान ने कहा तुम जो लेना तो लेकर के जल्दी भागो, यदि हमारे ग्वाल वालों को पता चल गया, परिवार वालों को पता चल गया, कह देंगे ये कौन आ गया हमारे घर में, इसके सामने ये इतने बड़े बड़े हाथ जोड़े खड़े, ये तुम जाओ जल्दी। और भगवान ने जल्दी से उसको भगाया और भगा करके जो ही उन वृक्षों को धराशाई देखा, सारा गोकुल इकट्ठा हो गया। अरे ये वृक्ष ना कोई आंधी ना कोई तूफान कुछ भी ना, ये इतने बड़े बड़े वृक्ष कैसे गिर गए? और वो ग्वाल बाल कर लगे बाबा बाबा हम बताएं, कहते हाँ कि ये दोनों वृक्ष तेरे कन्हैया ने गिरे। बाबा कहने के लिए बेवकूफ हो, इतना छोटा सा बच्चा इन दो वृक्षों के लिए, और बाबा सुनो इसके अंदर से दो आदमी निकले थे और वो हमारे कन्हैया के पैर पकड़ रहे थे, लेकिन कौन मानने लगा उन छोटे छोटे, वो ये तो भी सच बोल रहे हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चों की कौन मानने लगा, और वो ये भी इतनी बड़ी विचित्र बात कौन स्वीकार करे कि इतना बड़ा काम छोटा सा बच्चा कर सकता है, कोई नहीं माने। तो कन्हैया को खोला है नंद बाबा ने उंखल से अपनी गोद में लगाया, लेकिन कन्हैया कहने लगे अपने बाबा से, बाबा मैं अपनी मैया का बेटा नहीं, राज से माँ की मेरी कट्टी हो गई, इसलिए मैं आपका बेटा हूं। और माँ लेने आई, कन्हैया गए नहीं माँ की गोद में, कहा मैं आज माँ के पास नहीं सोऊंगा और सारे बीच में कह दूंगा कि मैं यशोदा का बेटा नहीं हूं, तो मैं तो नंद बाबा का बेटा, इसलिए माँ ले रही है जबरदस्ती, लेकिन कन्हैया जा नहीं रहे हैं। बाबा जी का नहीं बाबा मैं आपके पास ही सोऊंगा आज, माँ ने खूब जबरदस्ती की, लेकिन आज कन्हैया मान नहीं रहे हैं, बाबा के साथ जा रहे हैं आज, लेकिन माँ के धैर्य का बांध टूट गया, क्यों कभी अपने कन्हैया से दूर रही नहीं ना। बाबा सोचते थे गौशाला में और माँ सोचती थी घर में, इसलिए बाबा गौशाला में ले गए कन्हैया को, लेकिन माँ की रात की नींद उड़ गई और कह रही है कन्हैया बेटा मैं तेरे बगैर सो नहीं सकती, इसलिए बैठी बैठी चारपाई पर रो रही है वो माँ, लेकिन इधर माँ रो रही है तो बेटा कैसे सो सकता है, कन्हैया को नींद नहीं आ रही है। और अब रात के 12 बजे अपने बाबा को उठा लिया, मुझे अभी और इसी वक्त मेरी माँ के पास छोड़ के आओ,
कहते रे बाप बेटा ये अब आधी रात को 12 बज गए बेटा सो जा सुबह सुबह ले चलूंगा तेरे को। कहता नहीं अभी और इसी वक्त मुझे माँ के पास मुझे नींद नहीं आ रही मुझे लेकर के चलो। अरे बेटा कोई कुत्ता काट खाएगा रात को तू सो जा। कहता नहीं अभी और इसी वक्त मुझे माँ के पास जाना है तुम नहीं ले चलोगे तो मैं खुद जाऊँ। नंद बाबा ने कन्हैया को उठाया अपने कंधे से लगाया और रात को जाकर के दरवाजा खटखटाया। माँ के जैसे प्राण वापस आ गए हों जो ही दरवाजा खटखटाया कन्हैया को देखा अपनी गोद में लेकर के माँ बहुत रोई और कह रही बेटा मुझे माफ कर दे कभी मेरे बेटे को मैं गुस्सा नहीं करूँ लेकिन मेरे पास से जाना नहीं कन्हैया। दोनों माँ बेटा बैठ करके बहुत देर बातें करते रहे और बातें करते करते दोनों को नींद आ गई। और इसके बाद सुखिया मालिन का चरित्र है जो बहुत गरीब नहीं है लेकिन जब से कन्हैया के होने की बात सुनी है तब से बेचारी उसके दर्शन के लिए लाल आई थे लेकिन गरीब आदमी को बड़े घर के पास कौन जाने लगा। वो बेचारी घूम रही है फल बेचने के बहाने लेकिन वर्षों हो गए जब से कन्हैया पैदा हुए हैं कोई घर में जाने क्योंकि बड़े घर में वैसे ही घुसा नहीं जाए लेकिन फिर भी एक फलों का बहाना बनाया और फलों की टोकरी लेकर के कभी महल से इधर लौट जाती है कभी महल के उसी गली में चक्कर लगा रही और एक ही आवाज आती अरे कोई ले लो फल अरे कोई ले लो फल। जब वर्षों हो गए फल बेचते बेचते आज रो रही है हे कन्हैया हे लाला एक बार भी नहीं देखेगा क्या मेरे को क्या मैं इतनी बड़ी पापी हूँ कि तू जरा सिर्फ सबके लिए खेले खेल खेलता है तो जरा मेरे को नहीं एक बार भी नहीं देखेगा। कब से मैं वर्षों से तेरे लिए इंतजार कर रही हूँ ये फल लेकर के घूम रही हूँ मैं तेरे लिए क्या कभी मेरे फल नहीं लेगा तू। आज वो सुखिया मालिन रो रही है लेकिन रो करके जब भेड़ भर करके एक आवाज लगाई अरे कोई ले लो फल। जो ही आवाज लगाई जो पीड़ा से जो भरा था उसकी आवाज इंसान नहीं सुन सकता मेरे भाई लेकिन भगवान तो सुन ही सकता है। और कन्हैया अपने प्रांगण में खेल रही थी ग्वाल बालों के साथ जो ही उसने पीड़ा में आकर के आवाज लगाई मेरे कन्हैया के कानों में गई और मेरे कन्हैया मचल गए अपनी माँ के पास में आके माँ मुझे फल चाहिए अभी चाहिए इसी वक्त चाहिए। उन्होंने कहा बेटा तेरे बाबा गए हैं बाहर और मेरे पास पैसा नहीं है। कहता मुझे नहीं पता लेकिन मुझे फल चाहिए और अभी चाहिए इसी वक्त चाहिए। कहा बेटा मैं पैसा कहाँ से लेके आऊँ जब है ही नहीं तेरे बाबा है ही नहीं। कि नहीं नहीं माँ एक छोटे बच्चे की तरह लगे पैर पीटने अभी चाहिए फल। माँ ने कहा बेटे मेरे पास तो अनाज है गेहूं है इसको ले जा और इसके बदले में ले जा। और क्या ग्रामीण क्षेत्र की माता तो ऐसे करती थी जब पैसे नहीं है तो बेटा गेहूं ले जा और दुकान पे इनको दिया कुछ चीज ले जा तो इसलिए बेटा मेरे पास गेहूं वो ले जाओ। और कन्हैया ने अपनी उंगली में गेहूं ले छोटे छोटे हाथ और लेकर के दरवाजे से बाहर निकले और उसने जो ही आवाज अरे कोई ले लो फल। उसने कहा मैं आ रहा हूँ मालिन जरा ठहरिए थोड़ी देर। और जो ही मुड़ी तो देखा कन्हैया को भागते हुए कन्हैया के ऊपर टकटकी लगी और आंखों से आंसू बह गए वाह मेरे ठाकुर आज मेरा जीना सफल हो गया कम से आया तो सही बाहर। और लेकर के कन्हैया की उंगलियां खुलती जा रही और वो जो दाने थे गेहूं के वो गिरते हुए जा रहे हैं वहां तक जाते जाते दो चार हथेली के ऊपर दाने रखे हैं और वो यूं देख रहा है सुखिया मालिन की और सुखिया मालिन की आंखों से आंसू बह रहे हैं देख रही है उनको बहुत देर हो गए खड़े खड़े। तब उन्होंने कहा क्या आप फल नहीं दोगे। कहते हाँ हाँ कन्हैया तेरे लिए तो जिंदगी भर घूमते हुए हो गया तेरे को नहीं दूंगी तो और किसको दूंगी। अपनी टोकरी को उतारा और कहा दोनों कि कन्हैया एक बात कहूं कहा कहो एक बार मुझे माँ कह दे। कन्हैया ने कहा तुझे माँ कैसे कह दूं क्योंकि मेरी भैया तो घर में है। कहता कन्हैया क्या मुझे माँ नहीं कहेगा क्या मैं तेरी कुछ नहीं लगती मैं सारी जिंदगी का ये फल तेरे को दे दूंगी कन्हैया एक बार मुझे माँ कह दे। अब मेरे ठाकुर के सामने कोई रोए मेरा ठाकुर मना करे ऐसा तो नहीं हो सकता। अब कन्हैया घूमे टोकरी की तरफ और घूम करके उसकी गोद में बैठे और थोड़ी के हाथ लगा कर माँ अब तो दे दो कैसा प्यारा होगा वो कैसा दयालु होगा मेरे ठाकुर सच में भाई।
बहुत प्यारा रूप है, वो कभी मना नहीं करता किसी को। और वो सुखिया मालूम है, उसको गोद में बैठाए हैं और अपने टोकरी का जो फल है उसकी हथेली में रख रही है, लेकिन एक ही हाथ की छोटी सी उंगली में पूरी टोकरी के फल आ गए। और जो अपना खाली हाथ था कन्हैया का, वो टोकरी में रख दिया और कहा मां अब जाओ, लेकिन उसको उसके बदले में कुछ मिला नहीं। इसका तो कोई ये नहीं चिंता कि तेरे को आज कुछ नहीं मिला तो रोटी कहां से खाएगी, क्योंकि फल बेचती थी कुछ मिल जाता तो खा लेती थी, लेकिन आज कोई चिंता नहीं है कि कुछ मिला नहीं, बस खुशी है कि आज कन्हैया ने मिल बैठ कर तेरी गोद में तेरे को मांग कहा, जैसे सारी दुनिया की खजाना उसको मिल गया हो और खाली टोकरी को लेकर के नाचती हुई जा रही है, रोती हुई जा रही है। लेकिन जो ही घर की दहलीज पर कदम रखा वो टोकरी इतनी भारी हो गई, इतनी भारी हो गई कि खुद अकेले से उतारी नहीं जा रही, दूसरे को बुला रही उतारी, पता नहीं क्या भर गया इसमें। और जो ही उतारा और उतारने की कपड़ा उठाया वो तो हीरे और मोतियों से भरी हुई। और आज वो मां रो रही है बैठ के टोकरी के पास, अरे कन्हैया मैंने कहीं से हीरे और मोती को नहीं मांगा, मैंने तो तेरी ममता मांगी थी और वो तूने दे दी, इसलिए मुझे तेरे हीरे मोतियों की जरूरत नहीं है। इसलिए टोकरी को उठा करके बाहर गली में डालने के लिए गई तो इतने मेरे कन्हैया प्रकट हो गए और कहा मां मेरा होकर के जो रोटियों के लाले पड़ जाए तो मैं फिर काहे के लिए मैंने तेरे को मां कहा, मैंने आपके लिए नहीं, आपके लिए तो मैंने ममता दी है, ये केवल जिंदगी बसर करने के लिए कुछ थोड़ी सी भेंट दी है मां, इसे मेरा प्रसाद समझ कर ग्रहण करो, इसलिए कन्हैया ने दिया उसे। मेरे भाई बहन उसकी दयालुता का गुणगान कहां तक आए। अब उधर से कंस कभी काली को भेज रहा है, कभी किसी को भेज रहा है, कभी किसी को भेज रहा है, अनेकों राक्षस आ रहे हैं। अब सारे एक दिन गोकुलवासी इकट्ठे हुए और सभी ने कहा रे जब से हम हमारे बीच में कन्हैया आए हैं कंस कोई ना कोई राक्षस भेज रहा है, और जहां पर हमारे कन्हैया दुखी हैं उस घर को छोड़ दो, जहां हमें भगवान का भजन ना मिले वो घर किस काम का मिले भाई, जहां किसी अतिथि का सम्मान ना होता हो, जहां साधु महात्मा ना आते हो, जहां परमात्मा का भजन ना किया जाता हो, वो घर तो एक शमशान के बराबर है मेरे भाई। वो जीवित ही शमशान है। कृष्ण को बैठाया, बलराम और कृष्ण को बैठाया और सभी बलराम और कृष्ण को बैठा करके वहां गए, कहां तो हम भी चले चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। क्यों क्या करोगे, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे, thank you।
छठी